नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं पुरुषों को जरूर जाननी चाहिए ये बातें, क्योंकि ये पुरुषों की कमजोरी को दूर करने का सबसे आसान उपाय है। जी हां, आए दिन लोगों में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आजकल के प्रदूषित वातावरण, गलत खान पान और गलत रहन सहन के कारण कई लोग अंदर से बीमार हैं। आज ज़्यादातर पुरुष कमजोरी की समस्या से परेशान हैं। वह इस बात को किसी को नहीं बताते, जिस कारण से वह अंदर से हमेशा तनाव में रहते हैं। अगर आप भी शारीरिक कमजोरी से परेशान हैं तो यह उपाय जरूर अपनाएं। भारत के कई युवा और बुजुर्ग कमजोरी से ग्रसित हैं। अगर आपको भी शारीरिक कमजोरी महसूस होती है तो ये वॉइस ओवर आपके लिए है। जी हाँ, काफ़ी फायदेमंद साबित होगा ये आपके लिए। आज हम आपको शारीरिक कमजोरी दूर करने के उपाय के बारे में बताएंगे। यह उपाय बेहद सफल और कारगर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसका सेवन बेहद आसान है। इस वॉइस ओवर को पूरा सुनिए आप, आपकी शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी बस इन प्रयोगों को अपनाने से। शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए वैसे तो बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, परंतु उनमें से कुछ ही कारगर होते हैं जिनका कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लोग शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए अंग्रेजी दवाओं से लेकर के नीम हकिंग तक सब आजमा लेते हैं, पर इसका कुछ फायदा नहीं होता है। इसीलिए आज हम आप सभी के लिए ये उपाय लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो अंकुरित चना। जी हाँ, चना आपको आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाएगा। रोजाना सुबह चने को पानी में डाल करके फूलने के लिए छोड़ दें। जब फूल जाए तब उसे निकाल करके एक कपड़े में बांध कर रख दें। अगली सुबह उस चने को गुड़ के साथ खाएं। कुछ ही दिनों में आपके शरीर से कमजोरी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके अलावा खजूर। खजूर में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को ताकत और भरपूर मात्रा में एनर्जी देते हैं। रोजाना 4 से 5 खजूर खा करके 1 ग्लास दूध पीने से शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है। अखरोट का प्रयोग। जी हाँ, 8 अखरोट की गिरी और 4 बादाम की गिरी और 10 मुनक्का को रोजाना सुबह के समय खाकर ऊपर से दूध पीने से वृद्धावस्था की निर्बलता भी दूर हो जाती है। पुनर्नरवा। पुनर्नरवा के पत्तों के 100 ग्राम स्वरस में मिश्री का चूर्ण 200 ग्राम एवं पिपली यानी कि पीपल के चूर्ण को 12 ग्राम मिलाकर के पकाएं तथा चाशनी गाढ़ी हो जाने पर उसको उतार करके छान करके शीशी में रख लें। इस शरबत को 4 से 10 बूंद की मात्रा में आयु के अनुसार रोगी बालक को दिन में 3 बार चटाएं। पौरुष कमजोरी, खांसी, श्वास, फेफड़ों के विकार, बहुत लार बहना, जिगर बढ़ जाना, सर्दी जुकाम, हरे पीले दस्त, उल्टी तथा बच्चों की अन्य बीमारियों में बाल विकार शामक कही जाती है ये औषधि। कल्प के रूप में इसका प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा किशमिश। जी हाँ, सुबह के समय लगभग 25 से 30 किशमिश को गर्म पानी से धो करके साफ कर लें और फिर इसे कच्चे दूध में डाल दें। आधे या 1 घंटे बाद किशमिशों को दूध के साथ गर्म करके खाएं और ऊपर से दूध पी लें। इससे शरीर में खून बढ़ता है, ठंडक दूर होती है, पुरानी बीमारी, अधिक कमजोरी, यकृत, लीवर की खराबी और बदहजमी दूर हो जाती है। इसके अलावा अंजीर का प्रयोग। सूखे अंजीर के टुकड़े और छिली हुई बादाम गर्म पानी में उबालें। इसे सुखाकर इसमें दानेदार शक्कर, पिसी हुई इलायची, केसर, चिरौंजी, पिस्ता और बादाम बराबर मात्रा में मिला करके 8 दिन तक गाय के घी में पड़ा रहने दें। बाद में रोजाना सुबह 20 ग्राम तक सेवन करें। छोटे बालकों की शक्ति क्षीण के लिए यह औषधि बड़ी हितकारी है। या पके अंजीर को बराबर की मात्रा में सौंफ के साथ चबा चबा करके सेवन करें। इसका सेवन 40 दिनों तक नियमित करने से शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाती है। छुहारे का प्रयोग। जी हाँ, कमजोरी दूर करने का एक बेहतर उपाय है छुहारे को दूध में उबालकर रोज़ सुबह शाम 2-2 चम्मच सेवन करें। अगर आपको दूध में छुहारे उबालने नहीं आता तो आप पिछले हमारे यानी कि वॉइस ओवर्स में सुन सकते हैं जिसमें हमने आपको ये बता रखा है। जी हाँ, भुना हुआ लहसुन का प्रयोग। रिसर्च में भी पाया गया है कि भुना हुआ लहसुन आपके लिए शिलाजीत का भी कार्य करता है। दरअसल इसमें एलिसिन होता है, इससे हार्मोन्स का लेवल बैलेंस हो जाता है। इस तरह से आप शारीरिक कमजोरी से भी बच सकते हैं।
कई लोगों में ये शिकायतें होती हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को रोजाना एक भुना हुआ लहसुन की कली का सेवन अवश्य करना चाहिए, उनके लिए लाभप्रद होता है। आंवले का मुरब्बा, जी हाँ, आंवले में वो सभी पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। साथ ही रोजाना सुबह खाली पेट एक आंवले का मुरब्बा खाने से शरीर ताकतवर और एनर्जेटिक बन जाता है। बरगद का फल, जी हाँ, बरगद के फल छाया में सुखा करके चूर्ण बना लें। गाय के दूध के साथ यह एक चम्मच चूर्ण खाने से कमजोर शरीर भी बलवान बनता है। या एक भाग बरगद की कूपल यानी कि मुलायम पत्तियां, एक भाग गुलर की छाल और दो भाग चीनी मिला करके चूर्ण बना लें। 21 दिन तक 10 ग्राम चूर्ण रोजाना दूध के साथ खाने से शारीरिक कमजोरी समाप्त हो जाती है। या बरगद के पेड़ के फल को सुखाकर बारीक पाउडर लेकर के मिश्री के बारीक पाउडर मिला लें। रोजाना सुबह इस पाउडर को 6 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी दूर होती है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यह उपाय पुरुषों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी वो जानकारी जिसके सहारे पुरुषों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है, उनकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।